मेवात के अडवर स्कूल में छात्रों के दो गुट भिड़े, दो सगे भाइयों की जमकर पिटाई की गई है। बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अडवर में पढ़ने वाले छात्रों के दो गुटों में अध्यापक की कुर्सी को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में दो सगे भाइयों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई की वजह से दोनों सगे भाइयों का सीएससी नुक में इलाज चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि जब दोनों सगे भाइयों की पिटाई हो रही थी, उस समय अध्यापक बीच बचाव करने की बजाय तमाशबीन बने हुए थे। जानकारी के मुताबिक आज शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अडवर में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्र इरफान और 11वीं कक्षा के टीचर के लिए कुर्सी लेकर आया था। कुर्सी ले जाने का 11वीं के छात्र राहिल ने विरोध किया, तो उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। जब उसके बड़े भाई 12वीं कक्षा के छात्र मोमिन खान को छोटे भाई की पिटाई के बारे में पता चला तो वह भी पहुंच गया, लेकिन उस समय कई छात्र उन पर टूट पड़े। 12वीं कक्षा के छात्रों ने दो भाइयों की अच्छी तरह से धुनाई कर दी। इस झगड़े में दोनों सगे भाइयों को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार इस अस्पताल में चल रहा है। मोमिन खान तथा राहिल खान बैसी गाँव के बताए जा रहे हैं, जो रोजाना की तरह अपने गाँव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर अडवर गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए थे। इसी दौरान छात्रों के बीच झगड़ा हो गया और इस झगड़े में उन्हें चोटें आई हैं। झगड़े के बाद दो गांव के बीच तनाव का माहौल बताया जा रहा है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मामला नूह पुलिस के पास पहुंच चुका है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या उचित कदम उठाती है, लेकिन उसकी स्कूली छात्रों के बीच हुई इस झगड़े के बाद अध्यापकों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अकरम है। अकरम जी, कौन सा स्कूल है, आपके जो बच्चे पढ़ रहे थे, किस तरह से उनके साथ में घटना घटी है, क्या इसमें चल रहा है? ये अडवर का स्कूल है, इसमें आए दिन गुंडागर्दी होती है। हम बच्चों को समझा के भेजते हैं, ये तो झगड़े करते नहीं, ये गांव वाले दादागिरी दिखाते हैं। इधर इनका आपस में कोई कुर्सी के ऊपर विवाद हुआ था, तो इनका आपस में होके नहीं बात खत्म हो गई थी, लेकिन बाद में जो अडवर के बच्चे थे वो सारे एक हो गए। जब इनको सबको मारा, मार के इन्होंने, ये दो बच्चे हैं जिन्हों को चोट आई है, ये 4-5 बच्चे थे गाँव से, तो इन्होंने अपने ये एक झोंपड़ी में घुस गए थे बचने के लिए, तो उन बुजुर्गों ने भी इनको नहीं बचाया। ये अध्यापक है, क्या उनका फर्ज बनता है बचाने के लिए? अध्यापकों का फर्ज बनता है, लेकिन अध्यापक इनके पास नहीं आए, किसी के भी बचाए नहीं, नहीं बचाए। क्या इसमें कार्रवाई चाहते हैं? हम इसमें कानून कार्रवाई करना चाहते हैं, इनको न्याय मिले बच्चों को। पुलिस को शिकायत दे दी? अभी तो पुलिस को शिकायत दी नहीं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। इधर जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे। मोमिन कौन सी क्लास के छात्र? मैं 12th साइंस। आपका गांव कौन सा है और उनका गांव कौन सा था, किस तरह से झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर? बैंसी गांव से हूं मैं और वे टाई गांव से थे और उनसे हुआ था इसका, मतलब हमारा ही हुआ था उन, और उनके में अडवर के और राई परी के और एक लड़का जलाल पर रखा था और ये थे। तो किस तरह से मार पिटाई की आप लोगों के? टाई के थे। मार पिटाई किस तरह से किया उन्होंने? राड था और कड़ा वड़ा से थे, कड़ा रहे, कड़ा हाथ पहरे हुए थे और कहाँ कहाँ चोटें आई आपने? एक हाथ में आई थी और यहाँ पर घोटे में और इस हड्डी में चीज चली। तो मेडिकल करवाया? मेडिकल संबंध में कहीं शिकायत दी है? पुलिस को शिकायत दी है? अभी नहीं, 112 को अभी नहीं, 112 हाँ वहाँ बुलाई थी। 112 क्या कार्रवाई की चाहते? मैं न्याय चाहूँगा। हम वहाँ पर भाग के आए थे उस स्कूल में से, जान बचा के आए हुए पूरे स्कूल उनमें ही। आपके टीचर अध्यापक नहीं थे कोई? अध्यापक थे, अध्यापक नहीं, उन्होंने नहीं बचाया? नहीं बचाया, वो वहीं पे थे। हाँ। राहिल, कौन सी क्लास के छात्र हो? 11th साइंस। कौन सा विद्यालय है? अडवर GMSS। किस तरह से झगड़ा हुआ था, किस तरह से आप घायल हुए हैं, कौन कौन घायल है, कितने घायल हैं? वो हमारी कुर्सी, क्लास में आए थे सर, वो हमारी कुर्सी को ले जा रहे थे। हम
वो 12th के बच्चे थे, हमने उनको बोला मतलब ये हमारी क्लास की चेयर है, मास्टर की है, वो हमसे डांटेगा, तो हमने उनको कहा इसको मत ले जाओ, तो वो बदमाशी दिखाने लगे, अपने गांव के अटवर के थे वो, हमको पीटने की बात कर रहे थे, फिर हम उनसे मतलब वैसे ही बात कर रहे थे तो उन्होंने मार थप्पड़ मारा था पहले। आप कौन सी क्लास के था? मैं 11th साइंस। तो क्या इसमें कार्रवाई चाहते हैं? मैं जयपुर न्याय चाहूंगी।